चलोगा नहीं। कार्तिकेय को कैलाश लौटने के लिए समय चाहिए, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु मैंने तो माँ को वचन दिया था कि भैया को साथ लेकर ही कैलाश लौटूंगा, इसलिए जब तक भैया मेरे साथ नहीं आएंगे मैं भी कैलाश नहीं लौटूंगा। गणेश के आगमन से संसार को तो शुभता मिल गई है, परंतु महादेव के परिवार में एक नया कलह उत्पन्न हो गया है। नारायण, इसका परिणाम क्या होगा? ब्रह्मदेव, महादेव के हर कार्य में प्रकृति का हित ही छुपा होता है। नारायण नारायण, कुमार कार्तिकेय दुखी होकर कैलाश छोड़कर जा चुके हैं। प्रभु, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा हित छुपा हुआ है। बहुत देर कर दी, किंतु अच्छा है, हम सबने गणेश और कार्तिकेय के स्वागत हेतु तैयारियां कर ली हैं। कहां है वो दोनों? उनसे कहिए ना हमारे सामने आए, अपनी माता को और दुखी ना करें। आप तो हमारी व्याकुलता समझते हैं ना, फिर कुछ कहते क्यों नहीं? स्वामी, आप कार्तिकेय से मिले ना? मैं कार्तिकेय से मिला पार्वती। उसे अपनी भूल की अनुभूति भी हो चुकी, किंतु वो भी कैलाश नहीं लौटना चाहता। किंतु अभी तो आपने कहा कि उसे अपनी भूल की अनुभूति हो गई थी। हाँ पार्वती, किंतु उसकी यही अनुभूति उसकी आत्मग्लानि का कारण बन चुकी, और जब तक वो इस अपराध बोध से मुक्त नहीं होगा वो कैलाश नहीं लौटेगा। और गणेश? गणेश ने अपनी मां को वचन दिया
कि वो अपने बड़े भाई को कैलाश लेकर आए। इसलिए वो आप उन दोनों को छोड़ के आ गए। मैंने प्रयास किया पारो। प्रयास आपके लिए क्या असंभव है स्वामी? बोलिए स्वामी बोलिए। अब कार्तिकेय को नहीं मना पाए नहीं स्वामी नहीं। आप कार्तिकेय से कुपित है ना, इसीलिए आपने कार्तिकेय को अच्छे से नहीं मनाया होगा। पार्वती मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसकी स्वेच्छा में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। क्यों नहीं स्वामी क्यों नहीं? वो पुत्र है हमारा और यदि उसकी स्वेच्छा हमें उससे दूर ले जाए तो आपको पूरा अधिकार है उसे रोकने का। आपको ये आभास क्यों नहीं होता स्वामी कि आप अब एक वैरागी नहीं है, एक परिवार है आपका और परिवार के संबंधों यदि संपूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए तो वो बिखर जाते हैं। परिवार को बांधने के लिए एक दूसरे पे अपना अधिकार व्यक्त करना अनिवार्य है। एक दूसरे को ये बताना अनिवार्य है कि वो हमारे लिए महत्व रखते हैं। क्या आप जानते हैं कार्तिकेय अपनी ग्लानी से कब मुक्त होगा? और यदि नहीं हुआ तो, यदि वो कैलाश पुनः वापस ही नहीं आया तो, और यदि उसके साथ गणेश भी वापस नहीं आया तो, क्या आपको ये स्वीकार है स्वामी? बोलिए स्वामी बोलिए। समस्त संसार की समस्याओं का आप समाधान कर लेते हैं किंतु अपने परिवार की कितनी सी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। हमें हमारे दोनों पुत्र कैलाश पर वापस चाहिए। तुम अभी क्रोध के वश में हो पार्वती। शांत नहीं होगा जब तक आप उन दोनों को कैलाश नहीं ले आते। और यदि आपने उनके बिना कैलाश पर प्रवेश करने का प्रयास भी किया तो हम कैलाश सदा के लिए त्याग देंगे। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं उसका मान रखूंगा। मैं कैलाश में प्रवेश करने का कभी प्रयास नहीं करूंगा। रे